आज बरोज़े बुध हज़रत मुफ्ती अब्दुल मोईद साहब का एक ऑडियो क्लिप पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है आलमी शूरा पर इसरार, आखिर फितना क्यों और मुसिर हज़रात फितीन क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ संजीदा और हसास अहबाब पर लफ्ज़ फितना और फितीन गिरा गुजरता है। वो चाहते हैं कि आलमी शूरा पर इसरार को फितना और इसरार करने वालों को फितीन क्यों कहा जाता है। ये तो बड़ा सख्त लफ्ज़ है। फितना फैलाने को तो कत्ल कर देने से ज्यादा सख्त कहा गया है। तो लीजिए वजाहत हाजिर है। याद रखें, इस्लाम में फितना कहते हैं दीन से बचलाने को, यानी ऐसा काम करना जिसकी वजह से लोग दीन से हटने लगें, सिराते मुस्तकीम छोड़ने लगें। अब समझिए इस बात को कि तबलीग में आलमी शूरा की तकमील के लिए तजवीज पेश हुई, जिसका मौलाना साहब मुद्दिल्लुहु और बहुत से निजामुद्दीन और दीगर जिम्मेदाराने ममालिक को शरह सदर ना हुआ। तो कुछ हजरात ने आलमी शूरा की तजवीज मनवाने के लिए बदजबानी की। हज में काफिला रायवंड और निजामुद्दीन दोनों को अलग अलग कर दिया बगैर इत्तेफाक राय। तजवीज को फैसल शुदा करार देकर इलाकों में इरसाल कर दिया। बाज मोहतरम हजरात को नौजवान लड़कों के जरिए मरवा दिया। एक साहिब को बांग्लादेश शहीद कर दिया। तो इस सारी रविश की वजह से दीने इस्लाम और तबलीग की जरूरी चीजें मुतासिर हो गईं, इज्तिमाईयत टूट गई, तबलीग वाले दो हिस्सों में तकसीम हो गए, मरकज के मुकाबिल मरकज, इज्तिमा के मुकाबिल इज्तिमा, मशवरे के मुकाबिल मशवरा शुरू हो गया। बड़ों में इंतशार की वजह से जमातों में इंतशार और झगड़े हुए, बैरून जमातों की बेइकरामी हुई, और ये सब आलमी शूरा की तजवीज मनवाने के लिए गैर मुहज्जब रास्ता यानी जिद और इसरार की वजह से हुआ। इस तरह ये आलमी शूरा पर इसरार फितना बन गया और इसरार करने वाले फितीन बन गए। तो भाई समझ गए हो, अगर कुछ अब भी खलिश हो तो दूर कर लो, और हमेशा याद रखो कि हक दलाइल पर कायम होता है और बातिल हमेशा धौंस और चक्करों पर कायम होता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन। फ़क़त वस्सलाम। बंदा अब्दुल मुईद, नुमाइंदा जमात उलमाए किराम पाकिस्तान।